morning students. So what we have to do today in this class? Today in this class we'll revise our chapter number 5th. ओके okay? इस क्लास में क्या करेंगे, हम अपना जो चैप्टर नंबर 5th जो है उसका रिवीजन करेंगे. ओके okay? एंड अपना चैप्टर नंबर 5th की कौन सा है? आवर 5th चैप्टर इज सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके 5th चैप्टर क्या है अपना? सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके सिंगुलर क्या होता है बेटा? सिंगुलर मतलब सिंगल. सिंगुलर मतलब सिंगल. सिंगल मतलब वन. ओके प्लूरल मतलब मोर देन वन. मोर देन वन मतलब टू और टू थ्री फोर या मोर देन दैट. ओके सिंगुलर होता है वन. ओके सिंगल थिंग. प्लूरल होता है मोर देन वन मतलब टू और मोर देन टू. ओके बेटा सिंगुलर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन अ नाउन इज यूज्ड फॉर, जब कोई नाउन वन पर्सन एनिमल और थिंग, एक व्यक्ति वस्तु स्थान मतलब इनके लिए यूज किया जाता है, दैट इज सेड टू बी सिंगुलर. वो सिंगुलर होता है. जैसे कैट. कैट क्या है? सिंगल है, एक है तो कैट हो गया. ओके ये सिंगल है, एक है तो कैट हो गया. नेक्स्ट प्लूरल क्या होते हैं? व्हेन अ नाउन इज यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, इट्स सेड टू बी प्लूरल. जब कोई भी नाउन मोर देन वन, मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा, मतलब टू थ्री फोर फाइव या मोर देन दैट. ओके तो वो क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं. कि वो नाउन्स जो मोर देन वन के लिए, मोर देन वन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग के लिए स्टैंड करते हैं वो क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं. जैसे कैट्स. कैट्स ये कितनी है? वन टू. ये कितनी है? टू है तो क्या हो गया? कैट्स. अगर वन है तो कैट हो गया. अगर टू या मोर देन टू है तो कैट्स हो गया. ओके फिर हमारे पास नीचे फॉलोइंग में हमें कुछ सिंगुलर एंड प्लूरल्स हमें यहां दिए हुए हैं. ओके तो बेटा अगर आपको सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करोगे? एस या ई एस का यूज करके. ओके अगर आपको सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो आप एस या ई एस का यूज करोगे. ओके फॉर एग्जाम्पल डॉल. डॉल इज सिंगुलर. डॉल क्या है? सिंगुलर है. इसको आपको प्लूरल में चेंज करना है. ओके प्लूरल में चेंज करोगे तो क्या यूज करोगे? एस. डॉल डॉल्स. काउ काउज. बुक बुक्स. बॉय बॉयज. कैट कैट्स. फ्लावर फ्लावर्स. रोज रोजेस. पेंसिल पेंसिल्स. ओके फिर यूज ऑफ ई एस कहाँ होता है? कि जो वर्ड है, जो नाउन है, उसके लास्ट में सी एच एस एच एस डबल एस ओ या एक्स आता है तो ऐसे वर्ड्स के लास्ट में, ऐसे नाउन्स के लास्ट में अगर ऐसा वर्ड आता है तो उनको प्लूरल में चेंज करते वक्त उनमें ई एस का यूज किया जाता है. ओके प्लूरल में चेंज करते वक्त क्या किया जाता है? ई एस का यूज किया जाता है. जैसे पोटेटो पोटेटोज. ओ आ रहा है लास्ट में, ओ आ रहा है तो ई एस यूज किया. ओके बॉक्स बॉक्सेस. एक्स आ रहा है लास्ट में, एक्स आ रहा है मतलब ई एस. ओके बॉक्सेस. ब्रांच ब्रांचेस. बस एस आ रहा है, बसेस. ठीक है तो जिन जिन नाउन्स के लास्ट में सी एच एस एच एस डबल एस ओ या एक्स यूज हो रहा है उनके लास्ट में उनके साथ में ई एस का यूज किया जाता है. वर्क ड्रिल ए. कंप्लीट द टेबल. सिंगुलर दिए हुए तो प्लूरल में चेंज करना है, प्लूरल दिए हुए तो सिंगुलर में चेंज करना है. लेग लेग्स. टोमेटो ओ आर एल लास्ट में, टोमेटोज. बुशेस बुश. रैट्स रैट. फ्रेंड फ्रेंड्स. चर्च सी एच आर है तो ई एस चर्चेस.
ओके इसी तरह से आपको ये टेबल फिल करनी है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बी में क्या करना है कि आपको ये जो ब्लैंक्स दिए हुए इन ब्लैंक्स के साथ में आपको ब्रैकेट में दिए हुए जो ब्रैकेट में आपको दिए हुए ये है सिंगुलर. ओके इन सिंगुलर नाउन्स को आपको प्लूरल में चेंज करते हुए इन ब्लैंक्स को फिल करना है. ओके कि आपको सिंगुलर में दिए हुए ये इनको प्लूरल में चेंज करते हुए आपको यहां पर राइट डाउन करने इन बॉक्सेस में. ओके नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी एस या एस का यूज देख लिया हमने. फिर अगर नाउन के लास्ट में वाई आ रहा है जैसे ड्यूटी ड्यूटी के लास्ट में वाई आ रहा है अगर किसी भी नाउन के लास्ट में वाई आता है तो सिंगुलर टू प्लूरल में कन्वर्ट करते वक्त वाई को रिमूव करते हैं वाई की प्लेस पर आई राइट करते हैं प्लस ई एस तो ड्यूटी में डी यू टी वाई वाई रिमूव करते हैं आई राइट करते हैं तो डी यू टी आई ई एस आई प्लस ई एस ड्यूटीज. ओके वाई को रिमूव करते हैं एंड आई यूज करते हैं. ओके फिर नेक्स्ट आता है अगर नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई आता है. ओके तो एफ या एफ ई को रिमूव करते हैं और इनकी प्लेस में वी राइट करते हैं प्लस ई एस. ओके एफ या एफ ई को रिमूव करते हैं इनके प्लेस पर वी प्लस ई एस. जैसे वाइफ डब्ल्यू आई एफ ई इस नाउन के लास्ट में एफ ई आ रहा है. ओके एफ ई आ रहा है एफ ई को रिमूव करते हैं इसके प्लेस पर वी राइट करते हैं प्लस ई एस. तो डब्ल्यू आई एफ ई की प्लेस पर वी डब्ल्यू आई वी ई एस वाइफ्स. लीव एल ई ए एफ लास्ट में एफ आ रहा है. ओके तो क्या करते हैं एफ को रिमूव करते हैं. ओके एफ की प्लेस पर वी राइट करते हैं प्लस ई एस. सो एल ई ए वी ई एस लीव्स. ओके इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनको सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट करते वक्त हम ओनली उनकी स्पेलिंग्स में चेंज करते हैं. ऑक्स ऑक्सन फुट फिट टूथ टिथ माउस माइस मतलब इनकी स्पेलिंग में ही चेंज किया हमने. मैन मैन एम ए एन इन सिंगुलर एम ई एन इन प्लूरल. ओके इस तरीके से हम इन्हें चेंज कर सकते हैं. फिर आती है हमारे पास वर्क ड्रिल. टिक द करेक्ट चॉइस आपको टू टू चॉइस दी हुई है. ओके आपको सेंटेंस में फाइंड करना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है देन आपको उनको टिक करना है. ओके एंड नेक्स्ट में आपको ये जो स्टोरी है ये कंप्लीट करनी है. ओके जो आपको बॉक्स दिया हुआ है उसमें कुछ स्पेलिंग्स दी हुई है. ओके जिसके थ्रू आपको ये कंप्लीट करना है. ओके कि जो भी ब्लैंक्स है इनमें जो सुटेबल वर्ड आता है वो यूज करना है. नेक्स्ट आपको क्या करना है इन स्पेलिंग्स को करेक्ट करना है. ओके मतलब इनका जो भी करेक्ट वर्जन होगा वो आपको यहाँ राइट करना है ये आपको रोंग दिए गए. ओके एंड इन नेक्स्ट आपको जो अंडरलाइंड वर्ड्स जो हैं इनको सर्ट मतलब सिंगुलर में है तो इनको आपको प्लूरल में चेंज करना है. ओके जो अंडरलाइन वर्ड्स सिंगुलर है उनको आपको प्लूरल में चेंज करते हुए यहाँ राइट डाउन करना है. ओके एंड यहाँ कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर फिफ्थ. अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है कोई डाउट है कहीं समझ नहीं आता है तो पूछ सकते हो. ओके बाय.